हेलो एवरीवन, ये वीडियो ओलिवर गोल्ड स्मिथ के एक फेमस एसे ब्यू टिप्स के बारे में है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ एक आयरिश नॉवेलिस्ट, प्ले राइट और पोएट थे। वो एज ऑफ ट्रांजिशन, जिसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है, उस एज से बिलोंग करते हैं। इस एज को कभी कभी एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है। इंग्लिश हिस्ट्री में 1745 से लेकर 1785 के पीरियड को एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है। और इस एज में कुछ फेमस राइटर हुए जिनका नाम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जेम्स बॉसवेल, थॉमस ग्रे, विलियम कूपर और रॉबर्ट बर्न्स। गोल्ड स्मिथ को उनके एक बेस्ट नॉवेल द वीकर ऑफ वेकफील्ड, उनका पेस्टोरल पोएम द डिजर्टेड विलेज और उनके प्लेज द गुड नेचर्ड मैन और सी स्टूप्स टू कंकर के लिए जाना जाता है। गोल्ड स्मिथ का ब्यूटिप्स एक ऐसे है और इस ऐसे का जो टाइटल है ब्यूटिप्स, ये एक फिक्शनल या इमेजिनरी कैरेक्टर है। The essayist used this character as central figure in a series of his essays like The Man in Black. So essayist ने इस character को एक central figure के रूप में represent किया अपने बहुत सारे essays में। And most of his essays containing the character beautifs published in the periodicals, the public ledger. So कभी कभी question ये भी आता है कि जो Goldsmith का essay था वो किस periodical में publish हुआ, तो उसका नाम है the public ledger. In this essay, Beautifs is a Chinese visitor who proposes his view on the contemporary or 18th century society. So, इस essay में Beautifs तो imaginary character है, साथ ही साथ ये Chinese visitor है, जो कि 18th century society को represent करता है. The writer pokes fun at his own generation with sentiment and humor. और जो essayist है Goldsmith, उसको एज ए कैरेक्टर के रूप में ये दिखाना चाहते हैं कि जो 18th सेंचुरी सोसाइटी में किस टाइप से लोग जी रहे थे, उसको वो बताना चाहते हैं विद सेंटिमेंट एंड ह्यूमर। थ्रू ब्यूटिफ्स द एसेज प्रेजेंट एन इंटरेस्टिंग एनालिसिस ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। सो इसको प्रेजेंट करने का यही मकसद था कि जो इंग्लिश सोसाइटी में जो हॉलोनेस है या जो ढोंग दिखावा है, उसको रिप्रेजेंट किया जाए। अभी नोट में देख सकते हैं, रिचार्ड स्टील एंड एडिशन सर रोजर डी कॉवर्ली इज ऑल्सो ए फेमस फिक्शनल कैरेक्टर विच वॉज फ्रिक्वेंटली यूज बाई दम। सो रिचार्ड स्टील और एडिशन भी एसेस्ट थे और उन्होंने भी एक फिक्शनल कैरेक्टर जिसका नाम था सर रोजर डी कॉवर्ली, बिल्कुल गोल्ड स्मिथ के ब्यूटिप्स की तरह, उसको अपने बहुत सारे ऐसे में फ्रिक्वेंटली यूज किया। इस ऐसे में क्या होता है कि वन डे द नैरेटर एंड हिज एसे चार्ल्स गो टू पब्लिक प्लेस नियर द टाउन टू प्लीज एंड एंटरटेन देम। तो एक दिन क्या होता है कि नैरेटर जो कि ओलिवर गोल्डस्मिथ है, वो और उनके एक फ्रेंड चार्ल्स, ये लोग एक पब्लिक प्लेस पे जाते हैं ताकि खुद को प्लीज कर सके, खुद को एंटरटेन कर सके। एंड दे आर फोंड ऑफ प्लेजर एंड नेवर मिस अ चांस टू गेन प्लेजर। सो ये दिखाना चाह रहे थे किस टाइप से जो 18th सेंचुरी के लोग थे वो किस टाइप से प्लेजर सीकर थे। And they are fond of pleasures and never miss a chance to gain pleasures. They praise the good people and their dresses as well and manners. So, ये लोग जाते हैं और जो भी अच्छे लोग हैं उनको praise करते हैं, साथ ही साथ जिस type से वो dress पहने हैं या जिस type से वो जीते हैं या एक दूसरे conversation करते हैं, उन सबको ये praise करते हैं। While walking and talking, Charles observed that someone is following them and he discovers that it is beautiful. और वहीं जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, उसी समय चार्ल्स जो उनके फ्रेंड है ओलिवर ओल्ड गोल्ड स्मिथ के, वो ऑब्जर्व करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और थोड़ी देर बाद ही चार्ल्स डिस्कवर करता है कि ये ब्यूटिप्स है। टू सी हिम स्टार्ट मूविंग फास्ट अलोंग विद द नैरेटर, बट एनी हाउ ब्यूटिप्स कम्स एंड जॉइंस देम। तो ब्यूटिप्स को देख के ही ये दोनों लोग, यानी जो नैरेटर है वो और उनके जो फ्रेंड है चार्ल्स, ये दोनों भागने लगते हैं। लेकिन ब्यूटिप्स और तेजी से पीछा करके उनको मतलब उनके साथ हो लेता है। टिप्स टेल्स चार्ल्स दैट ही डज नॉट लाइक फ्लैटरिंग, बट विद इन अ फ्यू मोमेंट्स ही डज नॉट ओनली स्टार्ट फ्लैटरिंग चार्ल्स बट प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। और जब टिप्स नैरेटर और चार्ल्स से मिलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा कैरेक्टर के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जैसे खुद अपना जो प्रेज है वो खुद किए जा रहा है। सो टिप्स टेल्स चार्ल्स दैट ही डज नॉट लाइक फ्लैटरिंग। टिप्स बताता है चार्ल्स को कि वो फ्लैटरिंग नहीं पसंद करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में क्या करता है, वो फ्लैटरिंग करना स्टार्ट कर देता है। चार्ल्स को फ्लैटरिंग करना स्टार्ट कर, बट प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। सो ना केवल वो अपना बढ़ाई कर रहा है, बल्कि खुद को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। ही टेल्स देम अबाउट हिज ड्रेसेस, हिज हाई सोशल स्टेटस इन द टाउन।
और चार्ल्स अपने ड्रेसेस के बारे में बात करता है कि वैसे ड्रेस पहनते हैं वैसे ड्रेस पहनते हैं और मेरा एक सोसाइटी में एक मतलब एक अच्छा पोजीशन है सोसाइटी में, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ उसका उठना बैठना है। इस टाइप से ब्लू टिप्स खुद को प्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू टिप्स द लेडीज ऑफ द टाउन आर हंगर टू सी। सो टिप्स ये कहता हूँ उन लोगों की जो इस शहर की जो लेडीज है वो बस उसको एक झलक पानी के लिए बेचैन है। एंड ही डाइंस विद एरिस्टोक्रेटिक लाइक लॉर्ड मॉडलर द डचेस ऑफ पिकाडली एंड द लेडी ग्रोग्राम। ये सारे जो कैरेक्टर है ये सब फिक्शनल कैरेक्टर है, ऐसे इसने इसको यूज किया है। सो ब्यूटिप्स का ये उस दिखाने के लिए कि ब्यूटिप्स क्या कहना चाह रहा है। सो ब्यूटिप्स बताता है कि वो हमेशा ही डिनर करता है जो इस टाउन के एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है लाइक लॉर्ड बटलर द डचेस ऑफ पिकाडली एंड लेडी ग्रोग्राम। द नरेटर कैचेस हिज लाइफ बट ही इग्नोर्स हिम एंड कीप्स सेइंग अबाउट हिज कॉन्टेक्स्ट टू द पीपल ऑफ हाई सोशल ऑर्डर। सो नरेटर उसका जो मतलब जिस टाइप से वो अपना बड़ाई कर रहा है उसको वो झूठ है इसको वो पकड़ लेते हैं, फिर भी वो इग्नोर करते हैं और उसको मतलब उसको बोलने जाने देते हैं। व्हेन देयर कन्वर्सेशन इन ब्यूटिफ्स डिमांड्स हाफ ए क्राउन फॉर ए मिनट और टू। और जब उन लोगों का बातचीत खत्म हो जाता है तब ब्यूटिफ्स क्या करता है उनसे हाफ ए क्राउन एक पैसे का डिमांड करता है, छोटा सा पैसे का डिमांड करता है। सो नरेटर ये दिखाना चाह रहे हैं किस टाइप से लोग वो मतलब खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, मतलब एक हॉलरनेस दिखाना चाह रहे हैं कि उनका जो बैठना है उनका जो डिनर करना है वो हाई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के साथ है, वो अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, बस उनके पैकेट में पैसे नहीं। सो ये दिखाना चाहते हैं ब्यूटिप्स के माध्यम से। अकॉर्डिंग टू द एसेस्ड पीपल लाइक ब्यूटिप्स फ्लैटर एवरीवन टू मेक देयर लिवलीहुड रन, दे नेवर मिस अ चांस टू मेक गुड पीपल फूल एंड दे मैनिपुलेट देम टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड। सो एसेस्ट ये चाह रहे हैं ये कहना कि जो लोग हैं उस समय के लाइक के ब्यूटिप्स टाइप के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो लोगों को मैनिपुलेट करके ठग करके अपना जिंदगी चला रहे हैं और साथ ही साथ अपने जो स्टैंडर्ड है द वे दे लिव इन सोसाइटी उसको वो फुलफिल कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द वुमेन्स स्टेटस एंड कंडीशन इन दैट कंटेम्प्रेरी पीरियड कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व थ्रू द एसेस। ऐसे तो आप इस ऐसे में जो उस समय का कंडीशन था वुमेन का उसको भी आप देख सकते हैं या उनका सोसाइटी में क्या सोशल स्टेटस था उसको भी आपको देखने को मिलेगा। वुमेन वेयर लेस वैल्यूएड एंड ऑनर ड्यूरिंग दैट पीरियड। सो उस समय यानी 18th century पीरियड में वुमेन को वैल्यू कम दिया जाता था, साथ ही साथ उनका जो सम्मान था सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट था वो भी कम था। दे वर नॉट गिवन इम्पॉर्टेंस इन द मेल डोमिनेटेड इंग्लिश सोसाइटी। सो वुमेन को जो मेल डोमिनेटेड 18th century सोसाइटी था उसमें एक प्रॉपर प्लेस नहीं था, उनका कुछ खास इम्पॉर्टेंस नहीं दिया गया। सो दिस वॉज द वीडियो रिगार्डिंग ओलिवर गोल्ड स्मिथ ब्यूटिप्स। होप इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।